सो ये गाइस अपाची गाड़ी टीवीएस की, उसमें हमने बैटरी इंस्टॉल करी है एमरॉन की। कौन सी बैटरी लगती है, प्राइसिंग क्या है आपको बताएंगे। रेस एडिशन 2.0 अपाची, और आप देख सकते बाइक, उसमें हमने एमरॉन की बैटरी लगाई है। इसकी कॉस्टिंग क्या जाती है, वारंटी क्या है आपको बताएंगे। स्पीडमेंट जिसे आप देख सकते हैं, मॉडल नंबर BT-X9R, एमरॉन की बैटरी है, 9 एम्पीयर की बैटरी इसमें लगती है। कंफ्यूजन होगा कुछ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब गाड़ी हमारी देख सकते हैं आप रनिंग में, इसका वोल्टेज प्रॉपर ले जा रहा है, बैटरी ओके है, और गाड़ी का जो अल्टरनेटर है वो भी ओके है। तो जैसे बैटरी की कीमत के बारे में हम जानेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमने बैटरी जो लगाई, मतलब जो पहले लगी थी वो एक साइड की थी, XL9B यही बैटरी लगती है, और ये हमने उसके बाद में एक्सचेंज करके एमरॉन की लगाई है। कितने में आएंगे आपको बताएंगे, इसकी कॉस्टिंग आपको बताएंगे। तो इसकी कॉस्टिंग लगभग भी आपको 2500 के अंदर, मतलब 2448 की आपको बैटरी आएंगी, 2448 की बैटरी है, और इसमें आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, और बैटरी रिप्लेस करके आपको 1800, 1700, 1650, 1600 इस तरीके से आपको कोई रिप्लेस करके देगा, और ये बैटरी के 300 रुपये माइनस हो जाते हैं। तो MRP पे डिस्काउंट और एडिशनली 300 रुपये स्क्रैप के माइनस करके आपको ये लगभग 1600-1700 में आएंगी एक्सचेंज करके। तो ये बैटरी लगती है, वारंटी 24 महीने गारंटी, 24 महीने वारंटी इस तरीके से आपको फ्लैट 24 महीने का फ्री रिप्लेसमेंट, उसके बाद में पूरा वारंटी मिलता है। 9 एम्पीयर 9 AH कैपेसिटी वाली ये एमरॉन की बैटरी बेस्ट है, बैटरी यही लगती है, और अगर कंपनी के साथ में भी जा सकते हैं, एमरॉन काफ़ी लोग लगाते हैं, इसको आप लगा सकते हैं अपने गाड़ी के लिए। प्राइसिंग हमने आपको बता दी, वारंटी क्लेम रेशो भी काफ़ी अच्छा है एमरॉन का। जहाँ से भी आप लेंगे कुछ 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, रिप्लेसमेंट अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, रिप्लेसमेंट वैसे प्रॉब्लम काफ़ी कम ही देखने को मिलेगा, 100 में से 4-5%, मतलब 100 में से 5% आप देख सकते हैं क्लेम रेशो, पर काफ़ी कम है, और अगर कुछ आता भी है तो भी 3 से 4 दिन समय लगेगा रिप्लेसमेंट के लिए। क्वेश्चन होगा कोई, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।